हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास में फिर से एक नया क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या करना है, एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्य सेंटर पर हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया, तो ध्यान से देखें आप लोग ये वाले मॉलिक्यूल को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग में ये वाला फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये वाला सेकंड नंबर पर आएगा, ये वाला थर्ड नंबर पर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो इस वजह से फर्स्ट नंबर पर है। इन दोनों में कार्बन कार्बन सेम है, तो इसका अगला एटम देखा जाएगा, इसमें ऑक्सीजन है जबकि इसमें हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट जाएगी, सेकंड जाएगी, एंड इसकी थर्ड एंड इसकी फोर्थ। अगर हम बात करें 1 2 3 का रोटेशन, जिसके अंदर हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी हाइड करेंगे, 1 2 3 का रोटेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्लॉकवाइज, और ये वाला जो प्रोडक्ट मतलब जो फोर्थ है वो हॉरिजॉन्टल पर है। ये किस पर है? हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या हमें देता है, एस देता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आप लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं जिसके अंदर डिटेल्स एक्सप्लेन करा जाए किस तरीके से हम लोग जो है वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं, तो आप